हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें हम जिस पाठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं वह है सूक्ष्म जीव, और आज हम उसके हानिकारक प्रभावों के बारे में समझेंगे। क्योंकि आपको तो याद है कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसी पाठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने समझा भी है, लेकिन उसमें हमने यही जाना था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अभी तक हमने उनके बहुत अच्छे प्रभावों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प करने के बारे में ही जाना था। लेकिन आज तो हम इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानेंगे, यानी कि इनसे हमें बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो वो नुकसान क्या हैं, चलिए जानते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव जो है वो है कि खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित हो जाना। और अगर आप ध्यान से देखें, इस चित्र में ये दिखा भी रखा, और ऐसा हमारे साथ हमारे घरों में भी होता है कि किस तरह से जब हम ब्रेड को बाहर छोड़ देते हैं, फ्रिज के बिना ही छोड़ देते हैं, और कई बार गर्मी का मौसम ज़्यादा तेज़ होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो हमारा ये भोजन या ब्रेड इस तरीके से ख़राब हो जाती है और इस पर ये हरी हरी फंगस सी लग जाती है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव हैं जो कि इस भोजन को ख़राब कर देते हैं। फिर दूसरा जो इसका प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव, वो है जलाशयों का विनाश और शैवालों का फलना। जलाशय यानी जितने भी नदियां हैं उनको ये ख़राब कर देते हैं। वहां पर शैवालों का फलना का मतलब है कि आपने देखा होगा कई बार नदी के ऊपर जो है बहुत दूर तक वनस्पति पेड़ पौधे ही उग जाते हैं, और ऐसे होते हैं कि वो धीरे धीरे जब सड़ने लगते हैं तो नदी के पानी की ऑक्सीजन को, सारी ऑक्सीजन को वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे जो जलीय जीव होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इनके कारण ये हानिकारक प्रभाव हमें झेलना पड़ता है। फिर जो अगला प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव, वो है मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड आदि। तो आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैलती हैं, जैसे मलेरिया बीमारी है, या फिर टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, या टाइफाइड है, ये सब इन्हीं से ही फैलते हैं। फिर जो इसका अगला प्रभाव है वो है कि कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित करना। यानी कवक जो कि एक सूक्ष्म जीव है, वो कपड़ों को, चमड़े की चीज़ों को और कागज़ को संदूषित यानी ख़राब कर देता है। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है, ऐसा होता भी है कि जैसे ये पर्स देखिए, चमड़े का पर्स, ये किस तरह से ख़राब हो रखा है, या इसी तरह से जो स्टोर में पड़ी पुरानी चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं बड़े बड़े अगर आप उनको ओपनली ऐसे ही छोड़ दें। तो ये कुछ और नहीं बल्कि कवक द्वारा ख़राब किए जाते हैं, और कवक एक सूक्ष्म जीव होता है। और जो आखिरी इसका प्रभाव है वो है कि पौधों में बीमारी, जैसे कि नींबू कैकर और गेहूँ की रस्ट आदि। तो ये कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि पौधों में लग जाती हैं, लेकिन किसकी वजह से लगती हैं, इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में, इन्हीं सूक्ष्म जीवों के से ही लगती हैं ये। तो अब तक तो हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में ही जाना था, यानी पिछली वर्कशीट में हमने समझा था ना कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं और उनके औषधीय प्रयोग में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे अन्य उपयोग हैं जिनमें उनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया भी गया है। तो जिस तरह से ऊपर आपने अभी अभी पिक्चर्स देखी, उससे हमें पता लगता है कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव, जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रकार से हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में, संचरणीय रोग का मतलब होता है एक दूसरे से फैलने वाले रोग, यानी एक
रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाला रोग संचरणीय रोग कहलाता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि पानी में किस तरह से वनस्पति उगी आती है और उसके कारण उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे अन्य जीवों का मरना शुरू हो जाता है, कपड़े, कागज़ और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना आदि। तो इसके अलावा आपने देखा है ना कि अभी ऊपर हमने समझा भी कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हमें हानि पहुंचाते हैं, जैसे हमारे खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं, फिर वो शैवालों का प्रस्फुटन से जीव मर जाते हैं जो जलीय जीव होते हैं, कपड़े, कागज़ और चमड़े की वस्तुओं को भी ये ख़राब कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से भी फैलते हैं। तो देखिए, जो रोग उत्पन्न करते हैं वो तो रोगाणु कहलाते हैं, और ये रोगाणु क्या करते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी जरिए पहुंच जाते हैं, जैसे संक्रमित रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी, भोजन के द्वारा या रोग वाहकों या फिर सीधे संपर्क करने से भी ये फैलते हैं। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर स्वयं को जांचने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के कोई तीन हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो अभी अभी तो ऊपर हमने समझे हैं और ये बहुत ही आसान है कि कोई भी तीन हानिकारक प्रभाव लिखने हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों के तीन हानिकारक प्रभाव इस प्रकार है, पहला कि खाद्य पदार्थों का खराब होना, दूसरा जलाशयों का विनाश या शैवालों का फैलना, और तीसरा मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी। तो ये हैं इसके तीन हानिकारक प्रभाव। फिर है प्रश्न नंबर दो, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि भोजन को हमेशा ढककर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि भोजन को ढककर रखने से जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं और वो जो वस्तुएं होती हैं वो या रसायनों के भोजन में मिलने से ये बचाता है। भोजन को ढककर रखना किस किस चीज़ से है? भोजन को बचाता है जैसे हानिकारक बैक्टीरिया और वस्तुओं या रसायनों के भोजन में मिलने से बचाता है। अगर आप उसको बिना ढके रखेंगे तो आप देखिए उसमें बैक्टीरिया तो मिलते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स या कोई दूसरी वस्तु भी उस भोजन में आकर मिल सकती है। तो इन सब से ढककर रखने से हमें वो भोजन बच जाता है हमारा। जो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीन है कि रोगाणु किन्हें कहते हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं। तो इसका उत्तर है, ये भी अभी अभी हमने समझा है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या फिर सीधे संपर्क में आने से ही फैलते हैं। और प्रश्न नंबर चार है कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम आपने लिखने हैं। तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है, वो है मलेरिया और तपेदिक, जिसे हम टीबी या ट्यूबरोक्लोसिस भी कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर अब मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।